केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं। सुबह 6:15 पर बाबा केदारनाथ के कपाट खोले गए। लोगों को बाबा केदारनाथ के दर्शन के साथ ही केदारनाथ की कहानी लेजर शो के जरिए आज से 4 मई तक दिखाई जाएगी। मंदिर की दीवार पर ये लेजर शो होगा। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी भी संभवतः बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए वहां पहुंच सकते हैं। ये तस्वीरें देखिए, सुबह सुबह की तस्वीरें। बाबा केदारनाथ के कपाट खुले, सुबह से ही सुबह करीब 4 बजे से भक्त वहां पर जुटने लगे थे बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। सबसे पहले राज्यपाल ने दर्शन किए जब केदारनाथ के कपाट खुले, और उसके बाद कपाट आम लोगों के लिए खोल दिए गए। 20 क्विंटल फूलों से बाबा केदारनाथ के इस भवन को सजाया गया था। इसके बाद आज सुबह 4 बजे से वहां पर पूजा शुरू हो गई थी। अब अगले 6 महीने तक बाबा केदारनाथ यहीं पर रहेंगे। इससे पहले ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा 6 महीने रहे थे। उसके बाद उनकी पालकी 26 तारीख को यहां पर पहुंच गई थी, और आज सुबह सुबह अब अगले 6 महीने तक आज सुबह से दर्शन की शुरुआत हो गई है। अगले 6 महीने तक बाबा केदारनाथ यहां पर रहेंगे, यहां पर विराजमान रहेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है बाबा केदारनाथ का ये धाम, और इस धाम के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचने लगे हैं। कपाट आज जरूर खुले, लेकिन कई दिन पहले से ही भक्तों का केदारनाथ में जमावड़ा लगने लगा था, इस इंतजार में कि जब कपाट खुलेंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। तीन तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जब आप बाबा केदार धाम के कपाट खुले, 6 महीने से इंतजार था। आज सुबह सुबह 6:15 पर बाबा केदारनाथ के कपाट खुले। इसके बाद बम बम भोले की जयकार से गूंज उठा वहां का पूरा माहौल। भक्तों की भीड़ आप देख सकते हैं, कई दिन पहले से यहां पर भक्तों का जमावड़ा लगने लगा था। और हर शाम आज से 4 मई तक हर शाम लेजर शो के जरिए बाबा केदारधाम की कहानी दिखाई जाएगी। उसी की एक झलक आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर तीसरे विंडो में। आज सुबह 4 बजे से पूजा वहां पर शुरू हो गई थी। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद बाबा केदार धाम के द्वार भक्तों के लिए खोल दिए गए, और उसके बाद बम बम भोले और जय बाबा केदार के जयकारों से केदार धाम का माहौल वातावरण गूंज उठा। केदारनाथ मंदिर के द्वार आज खोल दिए गए हैं, और अगर आप पीछे देखें तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि पूजा अर्चना जो है मंदिर में शुरू हो चुकी है, और द्वार अंदर जितने भी आचार्य या फिर जो रावल है मंदिर के वो अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पर अभी पूजा अर्चना की जो सामग्री अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि ये लोग ले जाते हुए जिसमें गर्म पानी के साथ जो उनके तिल होता है 11 किलो तिल और जो दूसरी सामग्री होती है वो भी यहाँ से ले जाई जा चुकी है। और 11:15 के बाद से ही लगातार यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू है, लेकिन आप देखें यहाँ पर आपको श्रद्धालुओं का तादाद यहाँ पर आपको नजर आएगा, क्योंकि देशभर के अलग अलग इलाकों से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड है, लेकिन लोगों को जमावड़ा देखकर आपको अंदाजा होगा कि केदारनाथ कितना बड़ा और कितने लोग हैं यहाँ पर जो भारी संख्या में देश के अलग अलग इलाकों से यहाँ पहुंच रहे हैं। बाबा केदारधाम से आप एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख रहे थे, हमारे सहयोगी सुमित वहां पर पहुंचे हुए थे। केदारधाम की जितनी मान्यता है उससे ज्यादा अनोखी है इस मंदिर की कहानी। जिस आकृति को केदारनाथ धाम में पूजा जाता है वो कैसे स्थापित हुई, इस मंदिर का महाभारत काल और पांडवों से क्या कनेक्शन है, केदारधाम के दर्शन के बाद अब आइए आपको केदारनाथ की पूरी कहानी भी दिखाते हैं। गिरिराज हिमालय की केदार चोटी पर मौजूद है देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग। पुराण कथा के मुताबिक हिमालय की केदार चोटी पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण तपस्या करते। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए, और उनकी प्रार्थना को मानते हुए ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव ने सदा केदार घाटी में वास करने का वरदान दिया। केदार घाटी में मौजूद इस मंदिर का कनेक्शन महाभारत काल से भी जुड़ा है। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने के बाद पांडवों ने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव की आराधना की। शिव जी ने जब देखा कि इनको तो उन्होंने घोर पाप किए हैं, तो उन्होंने माया रूपी भैंसों का रूप जो है धारण कर दिया, और माया रूपी भैंसों का धारण करते भीम ने क्या किया, भीम ने जो है उनके उसको खोदना शुरू कर दिया, जहां से वो धंसने लगे। जब भगवान जिसमें भगवान का रूप था वो धंसने लगे जमीन में, और उसने क्या किया, भगवान भीम ने जो है उसको खुदाई शुरू कर दी। फिर आकाशवाणी हुई कि ये आप यहाँ पे लिंग आप व्यापी लिंग आएगा, उसको तुम जो है लिंग से आलिंगन करो, उस पर घी वगैरह लेप करो और स्वर्गारोहिणी को चले जाओ और तुमको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा।
लेकिन भगवान शिव उनसे रुष्ट थे, इसीलिए भगवान शंकर अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते केदार पहुंचे। भगवान शंकर ने तब तक भैंसे का रूप धारण कर लिया, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया। भगवान शिव ने भैंसे के रूप में अपना विशाल स्वरूप भले ही फैला लिया, लेकिन भीम ने बैल की पीठ वाले हिस्से को पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और संकल्प देखकर खुश हुए। उन्होंने दर्शन देकर पांडवों को न केवल पाप से मुक्त किया, तभी से भगवान शंकर भैंस के पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं। केदार घाटी से सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज़।